क्योंकि ये खुद हॉलो नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, सेल आउट नहीं है, तो फिर फिल्म में डेप्थ होती ही है। सुधीर के बारे में एक चीज, बड़ा बहुत पहले जब सुधीर शुरू में जब फिल्म बना रहे थे तो बहुत लोगों को बड़ी शिकायत होती थी इनसे, और ये शिकायत बड़ी लंबी चली है इनके साथ, कि आपकी फिल्म में जो भी कैरेक्टर आता है आप उसकी ज़िंदगी में घुस जाते हैं। और ये बड़े बड़े समय तक हिंदी फिल्मों में ये रहा है कि भाई साहब एक ही कैरेक्टर की ज़िंदगी में घुसी और बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो खाली पोस्टर की तरह दिखाई पड़ते रहे और उनकी ज़िंदगी में मत जाएगी। सुधीर इज़ वन ऑफ द रेयर एंड फर्स्ट फिल्म मेकर्स हु गॉट इन टू ईच कैरेक्टर। जैसे कि इनकी एक फिल्म है कैलकटा मेल, वो कैलकटा मेल में एक शूट आउट सीन है, वो शूट आउट सीन में एक एक्टर खाली शूट आउट के लिए आता है, लेकिन सुधीर शॉट इट इन सच अ वे कि उसमें उसकी कहानी पता लगती है कि जो शूट आउट करने आया था ही वॉज एक्चुअली गेटिंग मैरिड और अपनी शादी से वोट के आया है। तो इस तरह की चीज़ें सुधीर बहुत करते थे। शुरू में इनके लिए, इनको बड़ी उसके लिए उलाने दिए जाते थे और कहा जाता था कि आप भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, लेकिन नाउ व्हेन यू सी सुधीर फिल्म्स एंड नाउ इट इज एक्सेप्टेड दैट ही वर्क्स इन लेयर्स ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ ईच एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, एंड दैट इज व्हाई हिज फिल्म्स आर डीपर एज यू आर सेइंग दैट दे आर वेरी डीप एंड दे आर, सो उसका एक एहसास होता है पूरेपन का, एक पूरी दुनिया का एहसास होता है। दो है रस होते हैं अलग अलग किस्म के, आपका कोई भी फिल्म को कोई हक नहीं है किसी को बोर करने का, तो दिलचस्प तो होनी चाहिए, अंदाजे बयां जो है वो एक कहानी सुनाने का, नहीं तो आप कहानीकार ही नहीं हुए, तो वो एस्पेक्ट तो होता है, लेकिन सिर्फ कि घर दिमाग जो है घर पे छोड़ के आओ, ये आदत अगर लग जाएगी तो मेरा ऑडियंस से कहना फिर जब वोट देने जाओगे तो भी छोड़ के आओगे, वो आदत नहीं लगाओ, घर दिमाग साथ में रखो और कभी कभी हल्की फुल्की फिल्म भी इंजॉय करो। दिलीप आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या किरदार है इस फिल्म को लेकर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सुधीर को तकरीबन 35 साल से जानता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, वो जो प्रश्न किया था आपने वो गहराई का, वो है ही राइटर, मतलब शुरुआत सुधीर की हुई थी एज ए राइटर, तो राइटर के होने के नाते ये जो बारीकियाँ हर कैरेक्टर की बारीकियाँ वो भर के आती हैं, वो इस फिल्म में भी सबको नजर आए। मेरा रोल इसमें है कि एक मतलब पॉलिटिक्स में या किसी के परिवार में या जहाँ भी जाइए, एक हमेशा एक कोई रिश्तेदार या एक आदमी ऐसा होता है जो सीन्स के पीछे, जो ग्रीन रूम में बैठ के, जो स्टेज पे उनकी डोर उनके हाथ पर होती है, जो लोगों को मिलती है। अगर कोई चुन्नी लाल के आसपास है तो ये है, अगर कोई है जो चुन्नी लाल जैसा किरदार है नहीं देव की जिंदगी में, लेकिन अगर कहीं चुन्नी लाल है इस फिल्म में तो दिलीप का है। सर आपसे बिल्कुल, जो भी फिल्मों में आपने काम किया है, जो भी किरदार होता है बहुत रिमेम्बर्ड हो जाता है दर्शक के लिए, बहुत यादगार हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे कैसे उस रियलिटी को करते हैं उसके किरदार? उसमें मेरे ख्याल से अगर किसी चीज़ का श्रेय मुझे जाता है, अगर वो फिल्म मैंने चूज़ की, अगर फिल्म ने मुझे चूज़ किया तो बात अलग है, लेकिन अगर फिल्म को मैंने चूज़ किया तो मेरा श्रेय इसी बात का है कि मैं उस कहानी को जो है पहचान लेता हूँ, कि जो एक्चुअली मेमोरेबल मैं नहीं होता हूँ, मेमोरेबल वो लिखा हुआ वो किरदार होता है जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, फिर उसको एक जर्नी तक ले जाना, उसको अलाइव करना, वो मेरा काम होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब लोग एक्टर्स को कहते हैं कि आप बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो एक्चुअली लोग बिना जाने उस राइटर की भी तारीफ कर रहे होते हैं जिसने उस किरदार को लिखा होता है, उस कहानी को लिखा होता है, उस डायरेक्टर की भी तारीफ कर रहे होते हैं, और उसके साथ के उन सारे को एक्टर्स की तारीफ कर रहे होते हैं जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर एक्टर जो है उस वक्त उठ के सामने। राहुल, फॉर यू आई मीन वी हैव सीन अ डिफरेंट शेड, यू नो पिछले कुछ सालों में ऐसी कुछ फिल्में आपने की है दैट इट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द वे, हाउ वाज हाउ द एंटायर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस फिल्म लास्ट डे? या आई काइंड ऑफ टुक अ ब्रेक व्हेन आई स्टार्टेड अर्लियर इन माय लाइफ व्हेन आई केम फ्रॉम कश्मीर एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट यू नो यू गो टू बॉम्बे एंड यू गो टू दिस फिल्म इंडस्ट्री एंड यू act like Amitabh Bachchan and you are a big star already in your head. But I was lucky and unlucky, I can tell you at the same time, that I got break very soon in my life and I was just 19.
And I did a show called Hina, which was like, it broke all the records that time. And I suddenly thought that, oh, I have arrived. And then I did one film with a mainstream filmmaker those days. And his name was Umesh Mehra. He launched me and I thought, this is it. But then I realized later, as I interacted with other interesting minds of industry, I realized that it's not that easy. And I thought that something, you know, of course there is destiny, something, you know, it's something called destiny. Sometimes destiny happens and you just become a star. And sometimes it takes time. So I realized that, okay, let me take time and take a back seat and understand filmmaking as a whole and work on myself as an actor. But I thought that I will take a couple of years. I didn't realize that it's going to take like 7-8 years. And that sabbatical was a little too long. But I was lucky enough to being considered by a great director like Anurag Kashyap. And he narrated a script to me and he said, this is for you. And I think that is destiny. And after that, I just followed that. Mm-hmm. And with this film, how will you rate your chemistry meter with Richa? अच्छा देखो, ये कोई केमिस्ट्री लेबोरेटरी तो होती नहीं है इंडस्ट्री की, भाई केमिस्ट्री में तो सल्फ्यूरिक एसिड कुछ बना देगा एक और कंपाउंड, ऐसी बात नहीं होती है. लेकिन मज़ेदार बात ये होती है कि जब आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो और आपका कोई ऐसा उसके साथ एक रिश्ता हो फिल्म में, एंड मज़ेदार बात ये होती है कि आपकी परफॉर्मेंस भी उससे अच्छी हो जाती है जब आप अच्छे एक्टरों के साथ काम करते हैं. जैसे सौरभ जी है, दिलीप है, रिचा ऑफ कोर्स इज देयर, आदित्य है, यहाँ आदित्य दिखाई नहीं दे रही है आपको मगर है वो मिस्टर इंडिया की तरह, और भी एक्टर्स हैं, दीपराज राणा है, विनीत सिंह है, अनुराग कश्यप तो मेरे दिल में भी आपको मिलेंगे. तो ऐसे सारे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करके और एट द हेल्म अगर एक डायरेक्टर हो सुधीर मिश्रा जैसे, तो बहुत एक कमाल का माहौल बन जाता है और जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री की जबान में कहते हैं कभी कभी मैजिक हो जाता है फिल्म. तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के साथ एक मैजिक हो चुका है और 27 अप्रैल को जब आप देखेंगे तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए कहिएगा कि हुआ है कि नहीं. रिचा मैम, आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो आपने ट्विटर पे रिएक्ट किया था सरोज खान जी के कमेंट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैंने क्या रिएक्ट किया? जो कास्टिंग काउच के ऊपर उन्होंने, मैंने रिएक्ट किया कि आपने पढ़ा, आपने बोला था मिसअंडरस्टैंड या मिसलीड, मैंने कहा मिसअंडरस्टूड. वॉच द वीडियो, मुझे नहीं लगा कि वो ये कह रही कि कास्टिंग काउच बहुत अच्छी चीज़ है, आई हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए. बात का बतंगड़ बनाना, मतलब आई थिंक टेस्ट को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि वो बस ये कह रही है कि एक्चुअली वो दो तीन चीज़ें कह रही हैं. पहले तो कह रही है कि पार्लियामेंट और पॉलिटिशियंस जो रेपिस्ट हैं, आप उन्हें भूल के फिल्म इंडस्ट्री को सिंगल आउट मत करिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री डजंट अबैंडन पीपल जो ये काम करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रही है कि बहुत अच्छी चीज़ है और हमें इसको सराहना चाहिए या इसको एक्साइट, मतलब शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट. वो बस बोल रही हैं कि डोंट जज पीपल हु हैव टू मेक दिस चॉइस, क्योंकि आपको उनकी मजबूरियाँ पता नहीं है. वो ये नहीं कह रही कि अच्छी चीज़ है उसको, इतनी सीनियर लेडी को अभी इस वक्त तंग करना ठीक नहीं है. एक बार रिलीज डेट अनाउंस, इसलिए देखनी चाहिए यूनिक सुधीर मिश्रा प्रोडक्ट. नहीं नहीं, और इसलिए भी देखनी चाहिए कि इसमें दास देव जो है वो दास से देव की जर्नी है. तीन चार चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें जानना कि देव जो है वो दरवाजे के बाहर मरेगा नहीं आखिर में, पारो जो है वो बंद नहीं रहेगी कोठरी के पीछे, ये चंद्रमुखी जो है, चांदनी जो है वो लुभाएगी देव को पॉलिटिक्स में, वो फिक्सर है पॉलिटिकल, और फिर उसको निजात देने की भी कोशिश करेगी सौरभ शुक्ला के कैरेक्टर से और दिलीप ताहिल के कैरेक्टर से. और वो क्या कर पाते हैं कि नहीं, तीनों जो दास बन गए हैं, जो पावर की लत के दास हो गए हैं, वो क्या देव बनेंगे कि नहीं, ये एक थ्रिलर फॉर्म में आपको दिखेगा. तो ऋचा जी, आपका सुबह की शुरुआत क्या आपके कैरेक्टर को देख के होती टीम में, जो जैसा आपने ट्वीट किया था बरस करते टाइम? नहीं, वो एक दिन आ रही थी टीवी पे तो मैं लगी हुई थी. मैं होटल में सोती हूँ ना, तो सोते जगते मैं टीवी ऑन कर देती, मुझे अकेला लगता. तो फिर मैं एक दिन उठी तो मेरा ही सीन चल रहा. ओके,
थैंक यू। 27 अप्रैल बोलो मेरे संग, 27 अप्रैल 27 अप्रैल 27। थैंक यू सो मच।